सवाल ये लिखा है कि हुसूल बरकत की नीयत से बुजुर्गान दीन की तस्वीर में तस्वीर घर में लगाना कैसा है। जवाबन गुजारिश ये है कि ये तस्वीर का मसला जो है चूँकि उलमाए किराम के दरमियान फुकहाए अहनाफ के दरमियान इस ज़माने के जो हैं इस दौर के उनके दरमियान इख्तलाफी मसला है और दोनों तरफ बड़े बड़े अकाबिर उलमा जो हैं वो गए हैं तो इसलिए हम जो लोग इजाज़त देते हैं इसकी तो वो इजाज़त शरायत के साथ इजाज़त देते हैं कि तस्वीर जो है बग़ैर किसी वजह के ना हो, कोई ख़ास उसकी वजह होनी चाहिए, कोई शरी वजह हो या कोई दुनियावी ज़रूरत हो मजबूरी तो, और उसके अंदर कोई और यानी फाशी और कोई खिलाफ शरा जो हरकत जो है वो ना की जाए। तो जहाँ तक ये है कि ये बुज़ुर्गान दीन की तस्वीरें अगर आपके पास हैं तो आप उनको एल्बम में रख सकते हैं। जो लोग फतवा देते हैं कि इसकी इजाज़त है, मैं उनके रूह से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इसको एल्बम के अंदर आप रख सकते हैं और एल्बम जब आपने देखना हो तो एल्बम खोला और देख लिया। और अगर आप क्या नाम है घर के अंदर आप ऐसा करेंगे तो इस तरह आहिस्ता 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 मामला जो है जिस मसलत की हद तक हमने इजाज़त दी थी उस मसलत से मामला और गुजर जाएगा और पूजा पाठ जो है वो शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज और मामून फरमाए। ये तो उनके तरीके पर है कि जो इसकी इजाज़त देते हैं, और जो तस्वीर की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती तो उनके नज़दीक तस्वीर मुतलकन हराम है और उन उलमा के मुताबिक ये है कि तस्वीर जो है आपको रखनी ही नहीं चाहिए ना एल्बम में ना एल्बम से बाहर। अल्लाह ताला अपना फजल व करम फरमाए और हमारे हाल पर रहम फरमाए और हमें नेक काम करने की और जायज़ काम करने की तौफीक अता फरमाए। ये एक सवाल है।